भगतपुर अंतर्गत ग्राम दाढ़ी दुर्जन में रहने वाली जगवती पत्नी राजकुमार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां प्रार्थना पत्र देकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। प्रार्थनी के मुताबिक उसका गांव में ही रहने वाले हरपाल, नेत्रपाल, महिपाल पुत्र रामचंद्र से काफी लंबे समय से नाली को लेकर विवाद चला आ रहा है। कई बार दोनों पक्षों में मारपीट भी हो चुकी है, जिसको गांव वालों ने पंचायत में खत्म करवा दिया। लेकिन इस बार बात बढ़ने पर हरपाल, नेत्रपाल और महिपाल द्वारा फिर झगड़ा किया गया, जिस पर पीड़िता ने पुलिस से इसकी शिकायत की तो पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने पर और रिपोर्ट दर्ज न करने पर पीड़ित जगवती अपने परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और एक प्रार्थना पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इस बारे में जब पीड़ित जगवती के परिजनों द्वारा बताया गया कि घटना पूजा पूजा क्या समझते हैं जो हम लोग यहाँ पाए सर, प्रधान के द्वारा बने गई नाली सरकारी काम है और वो उसमें तीन लोग मतलब रुकावट कर रहे हैं और पैप भी दबा दिया और पैप भी उखेड़ के फेंक दिया और बार बार हमें धमकी देते हैं मारने के लिए कि तुम्हारा ये पानी इधर नहीं निकलेगा। और पहले भी पांच महीने से झगड़ा चला आ रहा है और हर बार हमें ही मारते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि हम मेरे पिताजी ने एक कत्ल किया तो हम कतली हम कत्ल करके तब जाएंगे तुम्हें जेल में, ये बोलते हैं और धमकी देते हैं बार बार। अब प्रधान ने पैप दबाया वो भी उखेड़ के डाल दिया और हमें लाठी डंडों से, तमंचों से और ट्रैक्टर की रोड से मम्मी पे हमला किया। इनके सर पे चोट आई है बहुत, ये देखो यहाँ पे, और 8 दिन सिविल लाइन में हॉस्पिटल में भर्ती और मेडिकल वगैरह ये सब कुछ थाने में आ गए हैं। वो लोग हैं गांव के लोग हैं, गेत्रपाल है, महिपाल है, हरपाल है और ये तीनों, और इनकी वाइफ है, पत्नी है नीतू।